टोयोटा इनोवा है फ्रेंड्स, और रेडिएटर का कूलिंग वाटर लीकेज हो रहा है, और कूलिंग वाटर लीकेज होने का बॉटम पट्टी में जो एक पाइप रहता है रिजर्वर टैंक का, वहीं से लीकेज होता है इनोवा में ज़्यादातर। तो किसी ने एमसील भी लगाया हुआ है लेकिन वो ठीक नहीं पाया है, तो उसका रेडिएटर का बॉटम चेंज करने वाले हैं, तो न्यू बॉटम फिटिंग करने वाले। तो रेडिएटर का क्या प्रोसेस है खोलने का, इसके बारे में आज का वीडियो है। सबसे पहले फ्रंट बम्पर है वो निकालना है, उसका प्रॉब्लम का वायरिंग सब कुछ निकालने के बाद उसका बम्पर साइड में रख के जो भी पाइपें लगी रहती है रेडिएटर पे अपर और लोअर और रिजर्वर टैंक की, सभी पाइपों को निकालने के बाद रिजर्वर टैंक को खोल लेना है। और उसके आगे चार बोल्ट लगे रहते हैं छुपे हुए, तो वो एक बोल्ट ये है, एक इसके अंदर पीछे लगा हुआ है ये बोल्ट, और दो बोल्ट इस तरफ लगे रहते हैं। तो ये दो चार बोल्ट खोलने के बाद वो रेडिएटर कान पे टिका रहेगा। और जो चीज़ हमको बीच में आ रही है, देखो कि पावर स्टीयरिंग का ऑयल का डिब्बा है, और इंटरकूलर का हॉस पाइप है, वैक्यूम पाइप है, और साउड है, जो भी बीच में आ रहा है सभी को निकाल के साइड पे कर देना है। और फ्रंट व्हील एबीएस के दो वायर भी आ गए साउंड में लगे रहते हैं, उसको भी निकालना है। फ्रेंड्स, रेडिएटर ओपन कर लिया है हमने, तो ये चार बोल्ट रहते हैं उसके मेन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये अब इसका न्यू बॉटम डालने वाले ऊपर वाला, जो यहाँ से टूट गया है, पाइप लीकेज हो चुका है, और साइड में थोड़े से कपलर रहते हैं वायरिंग के, वो निकालने रहते हैं, और ये श्राउड और फैन अंदर ही रह जाता है। अब देख सकते हो यहाँ से थोड़े से ये कपड़ा निकालने रहते हैं, और नीचे के दो पाइप, और जो रिजर्वर टैंक रहता है वो भी निकालना रहता है, और ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल भी साइड में लगा रहता है, और इंटरकूलर का मेन पाइप, और साथ में एक वैक्यूम पाइप भी। तो ये निकालने के बाद हमारा रेडिएटर बाहर आ जाएगा, और चार बोल्ट निकालने के बाद रेडिएटर बाहर आ चुका है। अब देख सकते हो यहाँ पर कितना कचरा जमा हुआ है, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ये बॉटम के अंदर जो मेन है ये टूटा हुआ, वो भी न्यू डालने वाले हैं। रेडिएटर का न्यू बॉटम है फ्रेंड्स, ये फिटिंग होने वाला है, तो ये नॉब टूटा हुआ था, ये न्यू फिटिंग हो जाएगा। अभी ओपन का काम चल रहा है, फ्रेंड्स रेडिएटर सर्विस हो चुका है, आप देख सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा है, और इसको भी क्लीन कर लिया है भाई ने परफेक्ट। तो ये जो उसकी लाइन रहती है वो भी परफेक्ट क्लीन हो चुकी है, और थोड़ा सा कचरा रहता है इसके अंदर, और ये न्यू बॉटम डालने वाले यहाँ पे। तो जो मैंने दिखाया था उस तरीके से ये न्यू बॉटम है पहले वाला, तो बिट जाएगा इस तरीके इसके ऊपर। तो फिटिंग के बाद गाड़ी के अंदर फिटिंग का वीडियो दिखाते हैं आपको। ये पुराना वाला है और ये न्यू वाला है, मेन यही रीज़न था। और ये चेंज करने के लिए पूरा बॉटम चेंज होता है, तो फिर साथ में उसको सर्विस भी करवा लिया रेडिएटर को। रेडिएटर सर्विस होके आ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना क्लीन है, पहले कितना गंदा था और कितना अभी क्लीन है। तो यहाँ पे साले चौकअप थे वो भी कर दिया, और उसके अंदर बहुत चौकअप नहीं था, जो इनके अंदर जो मेन रेडिएटर चौकअप होता है वो, लेकिन उसको भी साफ़ कर लिया कर, और ये न्यू बॉटम डाल दिया है। तो अब इसको फिटिंग करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने उसको ओपन किया था उसी तरीके से धीरे से ऊपर से बिठा देंगे। और यहाँ पे चार बोल्ट रहते हैं उसके, दो इस तरफ और दो इस तरफ, सबसे पहले ये कान बिठाने रहते हैं, और बिठाने के बाद इसके जो वायरिंग है साइड में से लगा रहता है दूसरा, और पाइप, उसका श्राउड, ये पंखा का श्राउड, सब बिठाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेडिएटर फ्रेंड्स फिटिंग हो चुका है परफेक्टली, और ये रिजर्वर टैंक भी फिट कर दिया हमने, तो उसके जो चार बोल्ट रहते वो मेन, और यहाँ पे उसका वायरिंग रहता है थोड़ा सा, और ये बोल्ट रहते हैं रिजर्वर टैंक का, पावर स्टीयरिंग ऑयल का, ये दो बोल्ट रहते हैं यहाँ पे, और जो टर्बो का पाइप रहता है वो, उसका वैक्यूम का पाइप रहता है, एक यहाँ पर लगाना रहता है। वो सभी सही तरीके से फिट हो चुका है, और यहाँ पर एक ये वायर जाता है फ्रेंड्स एबीएस का, वो वायर भी रेडिएटर के अंदर लगा रहता है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो भी फिट करना रहता है वो, और एक यहाँ पे दो पाइप रहती है उसकी मेन, और ये जो टूट गई थी हमसे, जो सॉरी टूटा हुआ था कस्टमर के पास, वो पाइप हमने बॉटम चेंज किया है, और यहाँ पे न्यू पाइप लगा के, न्यू बॉटम में पाइप लगा दिया है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे की ओर दो पाइप रहती है उसकी, एक रिजर्वर टैंक की और एक मेन रेडिएटर के नीचे वाली, वो दोनों लगानी रहती है, लगा दी है, और परफेक्ट फिट हो चुका है। अभी कूलेंट डाल रहे हैं,
तो डब्बा अलग है, लेकिन पानी जो कूलेंट था वो हमने ले लिया था डब्बे के अंदर, क्योंकि कस्टमर ने गाड़ी अभी सर्विस करवाया था कंपनी में, तो कूलेंट अच्छा था। तो कूलेंट जो गाड़ी का निकला था वही है, और उसको फिट करेंगे। फिटिंग के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ पे फवारा लगा देंगे, तो जो कचरा है वो निकल जाएगा। एसी के अंदर उसका कूलिंग कम मिलता है, जो अभी गर्मी के समय है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कचरा है हल्का हल्का। तो फवारा लगाएंगे, बोनेट बम्पर खुला हुआ है तो बाद में बम्पर लगाएंगे। तो इसके अंदर रेड कलर का कूलेंट रहता है फ्रेंड्स। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो ये पाइप टूटा हुआ था, ये अब यहाँ से पाइप लीकेज में से पानी लीकेज नहीं है, और ये न्यू बॉटम हो गया है परफेक्ट। रेडिएटर भी फिटिंग हो चुका है और गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने। जो कूलेंट निकाला था वही वापस कूलेंट डाल दिया इसके अंदर, तो ये अभी कंप्लीट है। अभी लेंगे उसका 5-7 किलोमीटर का ट्रायल, और खड़ी गाड़ी स्टार्ट करते हैं अभी। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मोमेंटो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इनोवा के अंदर ज़्यादातर दिक्कत रहती है ये पाइप टूट जाने की, तो आप ये बॉटम चेंज कर सकते हो।